5 ETF बताने वाला हूँ जो आने वाले दिनों में यहाँ से डबल टारगेट आपको मिलने वाले हैं। और इन ETF के अंदर अच्छी खासी रैली ऑलरेडी चल चुकी है, लेकिन अभी भी रैली बहुत सारी बची है। जिसने लगभग लगभग 6 महीने पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ऑलमोस्ट उसको 50% से भी ज़्यादा रिटर्न ये ETF दे रहे हैं। तो आज के दिन में जो ट्रेंडिंग पे है वो बहुत सारे ETF अभी ट्रेंडिंग में है और 90% लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मेरे हिसाब से आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपका पोर्टफोलियो 50% डाइवर्सिफाइड आपको ETF के अंदर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ETF आपको रेगुलर इनकम भी जनरेट करके देते हैं और अच्छी खासी आपको यहाँ पे वेल्थ भी बना के देते हैं। पर्टिकुलर आप किसी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक चलते नहीं है, लेकिन ETF के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ETF का डायरेक्ट पैसा आपका इंडेक्स के ऊपर लगता है, तो इंडेक्स आपको हमेशा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलता है। तो आज से आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आप ETF के अंदर डाइवर्सिफाइड हो जाइए। और पर्टिकुलर भी बताऊंगा कि आज के डेट में ये ETF स्टॉक से कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहे। तो आज के डेट में बताऊंगा टॉप 10 जो स्टॉक है निफ्टी 50 के, वो पूरे उठा के देख लीजिए, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको इस ETF ने बना के दिया है। अगेन आप यहां से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो तो इस ETF से आप रेगुलर भी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे टॉप 5 ETF आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले ETF की बात करूँगा तो वो रहेगा CPSE ETF। इस नाम से आपको सर्च करना है NSE के अंदर, आपको ये ETF मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट ETF आज के डेट में होने वाला है। इसकी जो प्राइस चल रही है लगभग लगभग 52 के आसपास चल रहा है। कोविड के टाइम पे ये 17 रुपीज़ के आसपास आया था और आज के दिन में ये 3x ऑलरेडी हो चुका है। तो आने वाले दिनों में अगेन आपका इसके अंदर डिप मिलता है तो अगेन आप बाय की पोजीशन बना सकते हो, हेवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हो। ध्यान में रखें 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, उसमें भी 90% चांस है कि BJP की सरकार बनती है, तो यहाँ से ये ETF अगेन आपको 90 से लेके 100 रुपये तक भी आपको आने वाले 1 से लेके 1.5 साल में ट्रेड करने वाला है। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो जितने भी BJP के प्रोजेक्ट चल रहे गवर्नमेंट स्टॉक के ऊपर, तो वो 90% उनका फोकस है कि जितने भी गवर्नमेंट स्टॉक है वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बूस्ट बना के दिया हुआ है। आज के डेट में देखोगे तो आपको जितने भी गवर्नमेंट के स्टॉक है ज़बरदस्त बाइंग आपको देखने को मिल रही है। वैसे भी मोदी ने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर चुका है कि आने वाले दिनों में मोदी के साथ जितने भी मोदी सरकार के स्टॉक है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट के स्टॉक है उनके अंदर उनको पूरा का पूरा बूस्ट लगाने का प्लान है। और ऑलरेडी संसद के अंदर मोदी सरकार ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम गवर्नमेंट स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का प्लान है और उनके ऊपर फोकस करने का प्लान है। तो ये स्टॉक देखोगे तो ऑलमोस्ट ये अगस्त 2022 की बात है, वहाँ से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक लगभग लगभग 30 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आज के डेट में ये 52 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 70% ये 1 साल के अंदर रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ से देखोगे तो ये 48 तक एक करेक्शन देखने को मिल सकती है और 48 के बाद नेक्स्ट करेक्शन आपको 44 के आसपास देखने को मिलेगा। तो आप 3 हिस्सों में बाई कर सकते हो। पहला अभी आप CM पीरियड से बाई करके चल सकते हो, नेक्स्ट बाइंग आपको ये 48 के रेंज में करना है और यहाँ से डाउन आता तो नेक्स्ट बाइंग आपको 44 के रेंज में करना है। मान के चलो आपको 3 लाख रुपये इन्वेस्ट करने का प्लान है तो आप 1 लाख रुपये अभी आप CM पीरियड से बाई करके चलिए 52 के रेंज में, नेक्स्ट बाइंग आपको करना है 48 के रेंज में और 1 लाख की, और नेक्स्ट 1 लाख की बाइंग आपको 44 के रेंज में करना है। तीनों बाइंग होने के बाद यहाँ से आपको जो टारगेट मिलने वाला है कम से कम 50% टारगेट लेके चलिए। आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट रहेगा वो 70 का रहेगा, तो आने वाले दिनों में 70 तक ये ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल रडार पे रखिए, ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न बना के देने वाला है। नेक्स्ट ETF की बात करूँगा वो रहेगा ITBG में इतनी ज़बरदस्त बाइंग देखने को नहीं मिली जितनी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और इन बाकी माइक्रो कैप स्टॉक में देखने को मिल चुका है। लेकिन इसके हिसाब से देखोगे तो आपको यहाँ पे इतनी बाइंग देखने को नहीं मिला। अभी फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ जहाँ पे 33 को ब्रेकआउट किया और अभी ये 35 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट रहेगा पहला 40 से लेकर 42 रहेगा। आपको ITBG इस नाम से आपको सर्च करना है। तो IT के अंदर बहुत सारे स्टॉक है जिसके पर्टिकुलर आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो बहुत सारे कैपिटल आपको इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उतना कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अभी 35 के रेंज में आप बाइंग कर सकते हो। आपको आईटी बीज इस नाम से सर्च करना है, तो आईटी के जितने भी टॉप 10 शेयर्स है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। पर्टिकुलर आपको स्टॉक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आईटी सेक्टर चलेगा तो ये ईटीएफ जरूर चलेगा। अभी 35 से आप सीएम पे रेट से 1 लाख की बाइंग करना चाहो तो 1 लाख की बाइंग कर सकते हो। 3 डिवाइडेशन करना है। नेक्स्ट बाइंग आपको 33 के रेंज में करना है और नेक्स्ट बाइंग आपको 31 के रेंज में करना है। तो हर 2-2 रुपए गिरावट पे आपको इस ETF के अंदर बाइंग करना है। आपका जितना भी कैपिटल है मान के चलो 6 लाख का डिवाइडेशन करना चाहते हो तो इनिशियली आप 2 लाख की बाइंग कर लीजिए, नेक्स्ट बाइंग फिर 2 लाख की कर लीजिए और फिर नेक्स्ट बाइंग आपको 2 लाख की करनी है। तो आने वाले दिनों में पहला टारगेट 40 का रहेगा, नेक्स्ट टारगेट 44 का रहेगा। तो कम से कम यहाँ से आने वाले दिनों में 44 तक भी आपको आईटी बीच जाते हुए देखने को मिलेगा। तो बाकी सेक्टर अच्छे खासे चल चुके हैं लेकिन ये सेक्टर अभी तक चला नहीं है। आने वाले दिनों में ये सेक्टर भी आपको ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगा। बात करूंगा पीएसयू बैंक की, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो पीएसयू बैंक बीच आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट आज के डेट में ये ETF रहने वाला है। तो इस ETF का नाम है PSU बैंक भी, जिस नाम से आपको सर्च करना है। आज के रेट में 56 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो ज़बरदस्त 52 रुपये का जो ब्रेकआउट है वो दिया हुआ है। आने वाले दिनों में ये भी 70 के टारगेट के साथ चल सकते हो। इसका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है तो टॉप 10 जो गवर्नमेंट के बैंक है उसके ऊपर इसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो पर्टिकुलर आप एक बैंक के साथ जाने से अच्छा है कि आप इंडेक्स के साथ जाइए, इंडेक्स आपको ज़बरदस्त रिटर्न बना के देने वाला है। तो आज के रेट में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो सीएम पीरियड से 56 में आप 56 में फर्स्ट बाइंग कर लीजिए, नेक्स्ट बाइंग 52 पे करना है और उसके बाद ये फिर भी गिरावट आती है तो आपको नेक्स्ट बाइंग आपको यहाँ पे 45 के रेंज में करना है। 3 बाइंग होने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो 70 का रहेगा। शॉर्ट टर्म में आपको ये टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सेक्टर का आज का पीएसयू बैंक बीच रहेगा। अभी अच्छी खासी करेक्शन आपको सिल्वर बीज में भी देखने को मिल रही है, तो कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक कमोडिटी का भी ETF आपके पास होना चाहिए। तो आज के डेट में यहाँ पे भी बहुत अच्छी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो जो फोर्थ यहाँ पे जो ETF रहने वाला है वो रहेगा सिल्वर बीज। तो सिल्वर बीज का जो पैसा लगता है वो रहता है कमोडिटी का, जो सिल्वर इंडेक्स है उसके ऊपर इसका इन्वेस्टमेंट होता है। आज के डेट में ये 70 के रेंज में ट्रेड हो रहा है और टॉप की बात करूंगा तो यहाँ पे 77 के आसपास निकल के आ रहा है। तो टॉप से देखोगे तो अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है और अभी भी इसका ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है। तो जब भी इसके अंदर करेक्शन मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम गिरावट इसके अंदर 65 तक देखने को मिलेगी। तो अभी आप सीएम पीरियड से बाय करके चल सकते हो। 70 का रेंज एक फर्स्ट बाइंग रहेगा, नेक्स्ट बाइंग आपको 68 के रेंज में करना है और नेक्स्ट बाइंग आपको 65 के रेंज में करना है। तीनों बाइंग करने के बाद आपका टारगेट रहेगा कम से कम 80 का टारगेट लेके चल सकते हो। आने वाले दिनों में ये टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। आप इसके अंदर हैवी बाइंग करना चाहते हो तो हैवी बाइंग के साथ भी जा सकते हो। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट आपको M6 का जो सिल्वर यहाँ पे इंडेक्स है उसके ऊपर इसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग सेक्टर वाइज अलग अलग इंडेक्स वाइज यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छा डाइवर्सिफाइड हो जाए और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको लॉस ना दे। आज के बाद लास्ट फिफ्थ बात करूंगा मैं मोन 100 MON 100 इस नाम से आपको सर्च करना है। इसका जो पैसा लगता है वो US स्टॉक के ऊपर लगता है, स्पेशली फॉर नैसडैक, अमेजोन, टेस्ला ऐसे टॉप 10 जो कंपनियां जो US में उन स्टॉक के ऊपर इसका इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छी खासी करेक्शन भी इसके अंदर देखने को मिल रही है। अभी 125 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इन द केस यहाँ से डीप आती है तो मैक्सिमम गिरावट 110 तक आ सकती है। तो आप 10-10 पॉइंट की गिरावट पे भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट रहेगा वो 150 प्लस के टारगेट आपको मोन 100 में देखने को मिलेगा। इसका जो व्यू रहेगा वो 6 मंथ का रहेगा। आने वाले दिनों में 6 मंथ में ये टारगेट मोन 100 में देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग सेक्टर वाइज अलग अलग इंडेक्स वाइज अलग अलग मार्केट वाइज मैंने यहाँ पे स्टॉक के जो ETF है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे आपको प्रेफर करने की कोशिश किया। अगेन आपको किस ETF के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो एनालिसिस किया वो पर्टिकुलर मेरे खुद की इन्वेस्टमेंट है, वही मैंने आपको सजेस्ट करने की कोशिश किया। रही बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, जो एनालिसिस करूँगा वो 100% सही रहेगा। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे टॉप पे पहुँच गया तो एक करेक्शन बनता है तो आपको एवरेजिंग करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, तभी ये इस ETF के अंदर आपको इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो तीनों लेवल्स मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया। पर्टिकुलर एक ही लेवल पे आप हेवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेते हो तो वो रिस्की ट्रेड बन सकता है। मिलते हैं नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।